हाय एवरीवन, मैं आज आपको बताने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन असेशर एंड प्रोक्टर के बारे में। इनके क्या वर्क रहते हैं, क्या इनमें दोनों में अंतर रहता है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं हम स्क्रीन पर। स्क्रीन पर चलने से पहले मैं बता दूँ आपको, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, चलते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आज असेशर के बारे में कि असेशर एक्चुअल में होते क्या हैं। तो असेशर स्कोरिंग और कंडक्ट असेसमेंट स्कोरिंग एंड कंडक्ट करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। बी ट्रेनीज ट्रेनिंग सेंटर और असेसमेंट एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेटर इंटरफेस होता है उनका। असेसर एक TOA प्रोग्राम से भी गुजरना होता है। असेसर को एक TOA प्रोग्राम अटेंड करना होता है जो SSC द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जो उन्हें शॉर्ट टर्म स्किल में असेसमेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलाइन किया जाता है। ठीक है गाइस, अब जान लेते हैं प्रोक्टर के बारे में कि एक्चुअल में प्रोक्टर होते क्या हैं। प्रोक्टर टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं जो टेक्निकल टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट पर रेडीनेस और असिस्टेंट इंश्योर करके असेसमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं और असेसमेंट की निगरानी करते हैं और किसी भी विसंगति या के केस में अथॉरिटीज को अलर्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं जो भी वहाँ अथॉरिटीज रहती हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस कि एक्चुअल में इन दोनों में डिफरेंस है क्या। तो आइए हम कुछ पॉइंट्स में ये पूरा कवर करते हैं असेसर और प्रोक्टर में डिफरेंस। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन को। तो सबसे पहले जो पॉइंट है कैंडिडेट ओरिएंटेशन, तो मैं एक एक लाइन में डिफाइन करता जाऊंगा आपको कि कैंडिडेट ओरिएंटेशन होता क्या है या टेक्निकल रेडीनेस होता क्या है। मैं आपको ये चीज एक एक लाइन में आपको कवर करता जाऊँगा। तो सबसे पहले पॉइंट है कैंडिडेट ओरिएंटेशन। तो इसमें क्या है, असेसमेंट जब हम सेंटर पे जाते हैं तो असेसमेंट के लिए जो अपनाई जाने वाली पूरी प्रोसेस है उस प्रोसेस को पूरा कैंडिडेट को बताना कि कैसे कैसे जो असेसमेंट है वो स्टार्ट होगा, क्या किस टाइम पे क्या चीज़ होगी। ठीक है, कैंडिडेट से असेसमेंट इंटरफेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी बात करना, ये कार्यक्षमता सहित बात करना। अब हम बात कर लेते हैं प्रोक्टर में। सबसे पहला पॉइंट है टेक्निकल रेडीनेस। टेक्निकल रेडीनेस प्रोक्टर आर जबकि क्या है प्रोक्टर टेक्निकल रेडीनेस में असेसमेंट के लिए टेक्नोलॉजी सिस्टम की रेडीनेस प्रिपरेशन इंश्योर करने के लिए प्रोक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है गाइस, इसमें दो प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है। यदि असेसमेंट कंप्यूटर सिस्टम पर किया जा रहा है तो यह इंश्योर करना है कि कंप्यूटर सिस्टम असेसमेंट प्लेटफॉर्म के लिए कॉम्पिटिबल एंड कन्फिगर्ड है या नहीं। दूसरा पॉइंट है, यदि टैबलेट पर असेसमेंट किया जा रहा है तो इंश्योर करना है कि टैबलेट पूरी तरह से चार्ज है और असेसमेंट प्लेटफॉर्म के लिए कॉन्फ़िगर किए गए हैं या नहीं। ठीक है गाइस, असेसमेंट कैंडिडेट ओरिएंटेशन में क्या होता है, पूरी प्रोसेस बताना होता है, जबकि प्रोक्टर क्या करता है, उस अपने टेक्नोलॉजी जो भी यूज कर रहा है सिस्टम वगैरह उसकी कोई इशू तो नहीं, ये चेक करेगा। दूसरा पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर टूल्स इक्विपमेंट एंड कंज्यूमेबल्स। तो इसका मतलब ये है, इंश्योर करना है कि डोमेन असेसमेंट के संचालन के लिए सफिशियंट मात्रा में रिक्वायरमेंट टूल्स अवेलेबल हैं, ये मतलब है इसका। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंस में। तो टेक्निकल असिस्टेंस का मतलब ये है कि असेसमेंट के दौरान असेसमेंट में होने वाली किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम या क्वेश्चंस के डिबगिंग और समस्या निवारण के लिए प्रोक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ये टेक्निकल असिस्टेंस का मतलब। थर्ड पॉइंट पे हम चलते हैं। थर्ड पॉइंट है असेसमेंट कंडक्ट एंड स्कोरिंग। ठीक है गाइस, असेसमेंट कंडक्ट एंड स्कोरिंग का ये मतलब है कि आप नोट कर लीजिए, यदि आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं। एवरी कैंडिडेट की योग्यता असेसमेंट करने के लिए असेसर रिस्पॉन्सिबल है। असेसर एग्जाम कंडक्ट कर सकता है, जैसे बायोवाइज प्रैक्टिकल थ्योरी पेपर्स एंड असेसर गाइडलाइन के इंस्ट्रक्शन का पालन करते हुए एग्जाम कराना। ठीक है गाइस, उन सभी असेसमेंट के लिए असेसर की रिक्वायरमेंट होती है जहां इवोल्यूशन नहीं किया जाता सिस्टम इंटेलिजेंस द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, कैंडिडेट वेरिफिकेशन की। प्रोक्टर में थर्ड पॉइंट है कैंडिडेट वेरिफिकेशन। तो इसके लिए गवर्नमेंट फोटो आईडी लेना है ताकि चेक हो पाए कि जेन्युइन कैंडिडेट है। क्या है, कुछ मामलों में बायोमेट्रिक के माध्यम से भी कैंडिडेट की पात्रता चेक हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है, दोनों में सिमिलर है, आप देख पा रहे होंगे, इनविजिलेशन असेसर को यह सुनिश्चित करता है कि असेसमेंट की इंटीग्रिटी को बनाए रखना चाहिए, कोई भी अनाचार ना हो ड्यूरिंग द असेसमेंट, ये इनविजिलेशन का काम है। अब हम चलते हैं, अब हम कुछ पॉइंट, ये चारों पॉइंट आपके कवर होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिमिलर पॉइंट ऑफ असेसर एंड प्रोक्टर, कुछ पॉइंट
जो दोनों के लिए एलिजिबल हैं, दोनों को करना होता है। अब क्या होता है, असेसर प्रोक्टर दोनों का आपस में बात करके अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कवर कर सकती है कि भाई आप कैंडिडेट वेरिफिकेशन कर लो, आप अटेंडेंस कैप्चर, और चाहे तो अपना अपना आप दोनों भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले पॉइंट है कैंडिडेट वेरिफिकेशन। कैंडिडेट वेरिफिकेशन में मैंने बताया, जैसे कि आपको गवर्नमेंट एक फोटो आईडी चेक करना है कि जेन्युइन कैंडिडेट है कि नहीं। दूसरी बात मैं बता देता हूँ आपको, अटेंडेंस कैप्चर। अटेंडेंस ऑल कैंडिडेट फॉर रिक्वायर्ड इन असेसमेंट मार्क्ड करेक्टली ऑन द असेसर ऐप या फिर कोई स्कीम गाइडलाइन के हिसाब से जो भी ऐप है। थर्ड पॉइंट है जियो टैगिंग। इसका मतलब है लोकेशन ऑफ द असेसमेंट मस्ट बी जियो टैग्ड। जिस लोकेशन में आप असेसमेंट ले रहे हैं वहाँ लोकेशन वन करके लिखना है असेसर ऐप द्वारा या कोई अदर एप्लीकेशन जिस पे पूरा टाइम एड्रेस सब होता है। फोर्थ पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड होना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्कीम या एसएससी। फिफ्थ पॉइंट है जो एविडेंस कलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस ये एविडेंस कलेक्शन। एविडेंस कलेक्शन कैसे करेंगे, फोटो वीडियो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कीम्स। ठीक है गाइस, ये पांच पॉइंट्स थे जो सिमिलर थे, जो क्या है असेसमेंट असेसर भी कर सकते हैं और प्रॉक्टर भी कर सकते हैं। तो गाइस ये पांच पॉइंट थे। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा असेसमेंट प्रॉक्टर के बारे में, अब हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है गाइस, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, थैंक यू।